अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुबई में आप कोविड की वैक्सीन फ्री में कहां से और कैसे ले सकते हैं। इस सब के लिए आपको सबसे पहले दुबई हेल्थ अथॉरिटी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और वो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं किस तरीके से आपने उसको करना है। उसमें लॉगिन बनाना है, लॉगिन बना के फिर आपने एरिया सेलेक्ट करना है। एरिया सेलेक्ट करके फिर वहां पे जो अवेलेबल उसके नियर में वैक्सीनेशन सेंटर होंगे वहाँ पे जाके आपने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और फिर आप जाके अपना वैक्सीन कोविड की करवा सकते हैं। चलिए जी, हम अब DHA की एप्लीकेशन में जाएंगे। तो ये है, अगर आप लोगों के पास DHA की एप्लीकेशन डाउनलोडेड नहीं है तो आप प्लीज उसको डाउनलोड कीजिएगा। ये DHA की एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पर आप देखें कि मेरा नाम लिखा हुआ है क्योंकि मैं पहले ही लॉग इन कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों के पास लॉग इन आप लोगों ने नहीं किया तो पहले आप इसमें क्या करेंगे कि साइन अप करेंगे, वहाँ पे आप रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो देंगे और फिर अपना MRN नंबर क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद ये भेजा जाएगा बस। यहाँ पे आप देखेंगे इस एप्लीकेशन पे 6 डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं। तो हमने क्या कहाँ जाना है, कोविड की वैक्सीन बुक करनी है तो हमें बुक COVID-19 वैक्सीन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो हम COVID-19 वैक्सीन पे क्लिक किया हमने, अभी लोडिंग हो रही है, लेट इट कंप्लीट। ठीक हो गया। तो जब उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि आपको मतलब कस्टमर जो है ब्लो 16 तो नहीं है, कस्टमर विद एक्यूट इलनेस और फीवर अंटिल फर्दर रिकवरी तो नहीं है, मतलब सारी चीज़ें वो बता रहे हैं आपको जिसको आपने प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट मेल करना है, नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है। अब ये जो मैंने लोकेशन दे रखी है उस हिसाब से इन्होंने नियरेस्ट जो है ना वो मुझे वैक्सीनेशन सेंटर दे दिए हैं जो मेरे घर के पास है, जो मुझे नज़दीक पड़ता है। वो ये है डायलिसिस सेंटर अल्तवार फाइजर वैक्सीन है। तो मैं बुक एन अपॉइंटमेंट इस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या देंगे, ये स्लॉट्स अवेलेबल बता देंगे कि कब से कब तक आपके लिए स्लॉट्स अवेलेबल हैं, आप आके वैक्सीन करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये देखते हैं हमें क्या क्या स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं। लेट्स सी, तो ईद है तो ईद की वजह से शायद स्लॉट्स अवेलेबल ना हो कल परसों। तो हम देखते हैं कि ये क्या कहती है एम भाई। तो ज्यादा टाइम ले रहा है, डोंट नो क्यों। ठीक हो गया, अभी स्लॉट्स हमारे पास देखो अवेलेबल है 17 मई को मॉर्निंग में ये 2 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आफ्टरनून में 20 स्लॉट्स अवेलेबल हैं और इवनिंग में 8 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो हम इस हिसाब से अपनी ये 18 मई को भी आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना स्लॉट्स जो पसंद का है वो उसको चूज करना है और जाके आपने अपनी वैक्सीन उस जो सिलेक्टेड टाइम है उस पे जाके आपने अपनी वैक्सीन करवा ले। देखिए मैंने एडिट में भी क्लिक किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, शायद ओवरलोडेड है ऐप, अभी काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 18 को अवेलेबल नहीं है, 17 की भी सारी बुक हो चुकी है, अभी अवेलेबल था और अभी 20 हम देख रहे थे, अभी अभी बुक हो गए सारे के सारे। सो देखते हैं अब क्या हो सकता है, फिलहाल इसके अंदर नहीं है तो हम पीछे जाएंगे। नेक्स्ट दोबारा जाते हैं हम डायलिसिस सेंटर में, देखते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट
मई में हम जाएंगे, कोई भी हमें करेंगे, लेट सपोज हम 2:20 का हमने किया कि हमें इसमें चाहिए, फिर वो कहते हैं रिव्यू एंड बुक, अभी देखिए मेरा नाम आ गया है वॉक इन डायरेक्शन मंडे 2:20 से लेकर 2:35 तक की मेरी बुकिंग जो है वो कंफर्म होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, मैंने वैक्सीन करवा ली है, तो मैं इस कंफर्म बटन को नहीं दबा सकता हूँ। ये आप लोगों के लिए, सिर्फ आप कंफर्म का बटन दबाएंगे तो आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगी और आप जाके कोविड की जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं। थैंक यू। ये है तवार डायलिसिस सेंटर जहाँ पे वैक्सीन हो रही है फ्री में DHA की तरफ से। पार्किंग का एरिया यहाँ पे रखा हुआ है।